कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद मैं आपके सामने आज एक मन से मन की बात करने आया हूं। दोस्तों सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस की आज हम बातें करेंगे और स्पेसिफिकली ग्रुप टू की बातें करेंगे बेटे। और मैं ये बताना चाहूंगा कि उस ग्रुप टू में भी मैं आज जो थोड़ा सा बताना चाहता हूं बेटे, वो फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बातें करेंगे। दोस्तों जैसा आप सबको मालूम है कि दिसंबर 2019 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट बेटे, हमारा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया बेटे, लोधी रोड हेड ऑफिस बेटे दिल्ली बेटे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देने वाला है बेटे आने वाले दिसंबर 2019 से। और सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप टू में जो बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं बेटे, उनको चार पेपर्स उनको अटेम्प्ट करने हैं। आप सबको मालूम है, मुझे पता है, फिर भी मैंने जान के लिख दिया बेटे। एक पेपर का नाम है सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस बेटे, ये मैंने हरे रंग में लिखे या ब्राउन रंग में लिखे बेटे, ये तो आपको सब्जेक्टिव टाइप ही आने वाले हैं। लेकिन जो लाल रंग से लिखे हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये लाल रंग से लिखा और इसमें स्टार्स लिखा बेटे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और लास्ट पेपर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटे, ये भी प्रैक्टिकल पेपर है लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट थर्ड पेपर आप देख रहे हैं बेटे, ये थर्ड पेपर एक पेपर नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है। और अगर आप सिलेबस देखें तो दोनों बेटे 100-100 नंबर के सिलेबस के हिसाब से हैं। इसी तरह से अगर आप पेपर नंबर 4 देखें, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 40 मार्क्स, बट अगर आप सिलेबस देखें तो बेटे 100 मार्क्स का सिलेबस है दोनों में। कहने का मतलब है सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2 में आपको 4 पेपर नहीं देने, 6 पेपर देने बेटे, 6, जिसमें से 4 पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। सवाल यह आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आसान होते हैं, मेहनत कम करनी पड़ती है, समय कम लगता है या ज्यादा लगता है बेटे, सारी बातों का खुलासा करेंगे। एक मिनट, आप बस आने वाले 5 मिनट तक मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ खुलासे करने वाला हूं, स्पेसिफिकली दिसंबर 2019 से जो हमारे को पेपर आने वाले हैं बेटे। डेट शीट आ गई बेटे, रिजल्ट की तारीख भी मुकर्रर हो गई, 25 फरवरी 2020 बेटे, सुबह के 10 बजे होंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटे। ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 कैटेगरीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, मैं सीएफए भी कर रहा हूं, मैं एसीसीए भी कर रहा हूं, मैं बड़े सारे फॉरेन कोर्सेज कर भी चुका हूं और कर भी रहा हूं। और एक बात का खुलासा ये करने वाला हूं कि जितने भी फॉरेन कोर्सेज होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 कैटेगरीज बनती हैं, ये किसी को मालूम ही नहीं है बेटे। आप सब खाली एक ही कैटेगरी समझते हैं कि एक क्वेश्चन दिया होगा, नीचे ऑप्शंस दी होंगी, आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करनी है बेटे, उसका नाम है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस। वो तो एक ही कैटेगरी है क्योंकि सभी टीचर्स ने इंटरनेशनल कोर्सेज किए नहीं, उन्होंने अपने जमाने में ऑब्जेक्टिव टाइप किया नहीं, तो बेटे कैटेगरी नहीं पता चल रही आजकल लोगों को। और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने अपनी स्टडी के पीछे, अभी मैं दिखाऊंगा बेटे, खाली कुछ चुनिंदा 100 क्वेश्चंस डाल दिए, भाई ये क्वेश्चंस देख लो, और वो भी सारे मल्टीपल चॉइस हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा खुलासा करने वाला हूं बेटे, सीए के अंदर 30 मार्क्स का कुछ पेपर्स में कंपलसरी थ्योरी आने लग गया, ऑब्जेक्टिव टाइप आने लग गया। आईसीडब्ल्यू में पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता था,
और मुझे लगता है शायद आपने सीएस फाउंडेशन अगर से आए हैं तो बेटे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता था, तो फिर आपको तो सब बातें पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 कैटेगरीज बनती है बेटे मेरे हिसाब से। मैंने पहले लिखी एमसीक्यू जो 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 हरे रंग से हाईलाइट कर दी, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसकी ऑप्शंस दी जाएंगी, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है बेटे। ट्रू एंड फॉल्स एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको बताना है कि वो गलत है या ठीक है बेटे। थर्ड कैटेगरी फिलिंग दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो। आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, बीच में एक वर्ड की एलिमेंट, बीच में एक स्पाइडरमैन, खाली दे देंगे, ब्लैंक दे देंगे, भरना है। मैच द फॉलोइंग, आपको एक टेबल बना दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे करीना कपूर, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट वगैरह वगैरह वगैरह, और इधर हीरोज होंगे बेटे, इधर रणवीर होगा, इधर 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 बड़े सारे हीरोज मैं कहता हूं होंगे। आपको अब ये देखना है कि कैटरीना कैफ को किससे मैच करना है, सलमान खान से, आलिया को किससे करना है, रणबीर से। बेटे मैच द फॉलोइंग भी आता है, और सबसे ऊपर बेटे केस स्टडी जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया बेटे, 5 तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं, आते हैं, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। अब सवाल आता है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें बेटा, सब बताऊंगा मैं। आज का ये जो लेक्चर है, मैंने इंट्रोडक्शन रखा बेटे किसके लिए, बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेटे आपको पता है ये पेपर 100 मार्क्स का है, हाँ सर ये तो हम सबको मालूम ही है। क्या बेटे ये भी पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट ए 60 मार्क्स का है, हाँ सर ये भी पता है। बेटे पार्ट बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, थ्योरी है, वो 40 नंबर का है, और बेटे दोनों में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 15 स्टडी मटेरियल्स, 5 5 5 बेटे 5 पांडव थे, 15 स्टडी मटेरियल्स, 15 लेसन, 15 चैप्टर्स दे दिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60 मार्क्स का है बेटे, उसमें 9 चैप्टर्स दिए, देख लीजिए 9 चैप्टर्स दे दिए मैंने, 9 घड़े बना दिए, पहला घड़ा फिर 9 तक जाएंगे बेटे, 9 चैप्टर्स हैं, और वो 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम आपकी कोर्स कवरेज कवर कर लेते हैं 100 मार्क्स वाले, और बेटे इसमें 6 चैप्टर्स दे दिए 10 to 15 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो 40 नंबर का आपको आएगा। कहने का मतलब है मैं आज का लेक्चर आपको डराने के लिए नहीं, आपको खाली अवेयर करने के लिए ये ले रहा हूं। ये मेरे मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा सिलेबस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बताऊं, मेरी इच्छा हुई इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूं। मेरे पास YouTube में मैंने हजारों वीडियोस अपलोड किए, मेरे पास कमेंट आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो बताओ कि इसको कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप करने के पेपर को क्या क्या तरीका है, आपने फॉरेन डिग्रीज की है, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिए, बिल्कुल बेटे बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। बट एक बात मैं बताना चाहूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जैसे आप सीएस फाउंडेशन में अगर करके आए हैं तो बेटे डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव टाइप। क्यों? क्योंकि एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है बेटे इस इन पेपर्स को प्रिपेयर करने के लिए। एक बच्चा कहता है क्या मतलब एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है? बेटे ठंड तो रखो थोड़ी सी बात, थोड़ा सा एक सेकेंड पेशेंस तो रख लो, मेरी बात को ध्यान से सुनो तो सही। मैं कह रहा हूं आपको अब 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को आपने प्रिपेयर करना है दिसंबर 19 के हिसाब से या उसके आगे। बेटे पहली बात, आप कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एकदम मत उठाना, सबसे पहले मत उठाना। नहीं बेटे, आप ये बताओ आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे पहले स्टार्टर खाते हो, उसके जैसे प्लेटर आता है कुछ तंदूरी आइटम खाते हो बेटे, फिर सेकंड में मेन कोर्स खाते हो, पनीर वगैरह, शाही पनीर, रोटी, नान, बटर नान, चपाती, और लास्ट में बेटे आपको रेस्टोरेंट वाला एक सोफ देता है, माउथ फ्रेशनर देता है कि आपके मुंह में वो एक फ्रेशनेस सी रहे। बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक माउथ फ्रेशनर का काम करेंगे। आप पहले एकदम माउथ फ्रेशनर मत खाना बेटे, पहले स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, और तीसरी चीज होगी बेटे क्या क्या
माउथ फ्रेशनर। तो बेटा तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड पेपर्स को प्रिपेयर करना है तो। तो बेटे पहला स्टेप देख लीजिए, मैंने लिखा है बेटे आपको सबसे पहली बात थ्योरी के कंसेप्ट्स, वो चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, बेटे उसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटे हमने अपनी बुक्स में, या वैसे मैं जनरल बात करूंगा, अभी दिखाऊंगा आपको अपनी बुक्स में, मैंने चारों के चारों, मतलब छह के छह पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप टू के, एक बच्चा कहता छह पेपर, मैंने कहा हाँ यार अभी तो बोला छह पेपर है, एक इकोनॉमिक कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ का पेपर, एक सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट का पेपर, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं जान के अलग कर रहा हूं, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटे छह पेपर हो गए, मैंने छह के छह पेपर्स को कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। दुनिया में पहली बार हम बेटे जो बुक्स लेकर आ रहे हैं इन सबको हमने कंसेप्ट, हर चैप्टर को कंसेप्ट में डिवाइड किया, उसमें मैं आता हूं अभी आता हूं। पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आपको सिकंदर बनना है, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर के बंदर और बंदरियां। बेटे पहला स्टेप है कि आपको उसकी थ्योरी के, उसके लर्निंग आउटकम्स, उसके कंसेप्ट्स अच्छी तरह से, इसका आपको पहले ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा है बेटे, घर में तो बिल्ली भी शेर बनती है। अगर आपने थ्योरी के कंसेप्ट्स कर लिए तो आप डायरेक्टली स्टार्टर खा के माउथ फ्रेशनर भी खाएंगे। बेटे एक बार देख तो लो कि जो आपको थ्योरी कंसेप्ट आते हैं उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके। बेटे अगर आपने न्यू स्टडी मटेरियल देखा हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, क्योंकि सिलेबस की बात हो रही है, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 जरा देखो तो सही। न्यू स्टडी मटेरियल अभी दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट के साइट में, बेटे उसमें चैप्टर 10 का नाम है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। और बेटे पता नहीं कितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे दिए, और देने भी चाहिए थे बेटे, देने भी तो चाहिए थे, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए आपने वो जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सब समझ आ गए। तो आपका पहला स्टेप है, पहला थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को समझना, दूसरा उनको प्रैक्टिकली बड़े बड़े क्वेश्चंस में करके देखना। और बेटे जब आप ये दो चीजें कर लेंगे ना, तभी आपको माउथ फ्रेशनर मिलना चाहिए और तभी आपको माउथ फ्रेशनर खाना चाहिए। बेटे खाने को तो पहले भी खा सकते हैं, लेकिन जो चीज जब बनी है उसको उसी समय करना चाहिए। बेटे लास्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करना, और इसमें पांच कैटेगरीज में करना। और मजे की बात है, हमने क्या किया है, हर सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, बट ये चार पेपर्स जिनको दो बना दिया इंस्टीट्यूट ने, ये ऑब्जेक्टिव टाइप दिए, हमने इसकी ऑब्जेक्टिव बुकलेट अलग बनाई, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग बनाए, अभी सब दिखाऊंगा। तो पहली बात, तीन स्टेप फॉलो करने हैं अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को प्रिपेयर करना है। आगे बेटा थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूट ने 9 स्टडी मटेरियल्स, 9 चैप्टर्स, 9 लेसन्स इंक्लूड किए। और बेटे नो के नो बड़े हीरो है, जैसे पहला लेक्चर है बेटे नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, इसका नेचर बताओ, इसके फंक्शंस बताओ, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, इसका ऑब्जेक्टिव बताओ, इसके बारे में बताओ। बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कैपिटल बजटिंग, आपने जो लाइफ में डिसीजन ली है सीएस करने की, बेटे ये आपकी लाइफ का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसी तरह से एक कॉर्पोरेट एंटिटी को कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी इवेल्युएशन कैसे करेंगे, बेटे वो चैप्टर नंबर 2 में आएगा। चैप्टर जो थ्री है बेटे बड़ा ही प्यारा सा है, उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए।
उसमें डेट कितने होनी चाहिए, उसमें इक्विटी कितनी होनी चाहिए, कितनी रेशो होनी चाहिए, बेटे इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट शुड बी द डेट इक्विटी मिक्स। और चैप्टर नंबर अगर आप 4 देखें तो बेटे लॉन्ग टर्म, हम जो काम करने जा रहे हैं लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होती है, क्या इक्विटी शेयर्स होती है, क्या प्रेफर्ड स्टॉक होता है, क्या बॉन्ड्स होती है, क्या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होती है, क्या डिबेंचर्स होती है, क्या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम कौन कौन से सोर्सेस से लॉन्ग टर्म पैसे ले सकते हैं कंपनी के लिए। बट आपको पता ही है किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ता है। जैसे रतन टाटा ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था नैनो, मान लेते हैं रतन टाटा ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नैनो, और बेटे नैनो को चलाने के लिए क्या लगता है पैसों की जरूरत, पहले बेटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की होगी और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद उसका एनालिसिस किया होगा, और उसके बाद अगर उनको लगा होगा कि प्रोजेक्ट ठीक है तो बेटे पैसे कहां से आएंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंस की बातें की होंगी। तो बेटे नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 प्रोजेक्ट फाइनेंस। मैं रिपीट करूंगा, मैं कहता हूं 9 चैप्टर्स आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूछे जाएंगे। पहला नेचर एंड स्कोप, दूसरा कैपिटल बजटिंग, तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, फोर्थ पूछा जाएगा सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटे पांचवा प्रोजेक्ट फाइनेंस, सिक्स्थ डिविडेंड डिसीजंस, क्या एक कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बेटे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतिहास गवाए पिछले इतने सालों में, एक या दो बार डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड के ऊपर बातें होंगी। डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड की पॉलिसीज क्या है, डिविडेंड की यूरोपियन थ्योरीज क्या है। तो बेटे डिविडेंड डिसीजंस, फिर हम करेंगे चैप्टर 7 में वर्किंग कैपिटल। आप कोई भी वर्क करते हैं, लक्ष्मी सीमेंट का काम करते हैं, जेके सीमेंट का काम करते हैं, आप जेके टायर्स का वर्क करते हैं, आप मारुति सुजुकी कंपनी से कर रहे हैं, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब कि आपको अपनी वर्किंग करने के लिए कुछ पूंजी की जरूरत है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ स्टॉक में भी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ कैश में भी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ डेटर्स में भी होगी, क्योंकि उधार देना पड़ेगा। तो बेटे कितने करंट एसेट्स चाहिए, या आपके पैसे कितने करंट एसेट में लगेंगे और कितने करंट लायबिलिटीज में होंगी, बेटे उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बेटे लास्ट 2 चैप्टर्स तो ऐसे इंस्टीट्यूट ने डाल दिए, सिक्योरिटी एनालिसिस। आपने थ्योरी करना है सिक्योरिटी लॉस में, बेटे प्रैक्टिकल करेंगे कि अगर किसी सिक्योरिटी को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे एक लड़का या एक लड़की के मम्मी पापा उस अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना चाहते हैं विवाह के लिए, शादी के लिए, तो बेटे मम्मी पापा उस लड़के का एनालिसिस करते, एकदम शादी नहीं कर देते। लड़का क्या करता है, खानदान क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, जॉब कितनी करता है, पैसे कितने कमा लेता है, कहाँ रहता है, कितने भाई बहन है, ये सारी बातों को हम कहते हैं लड़का एनालिसिस। बिल्कुल इसी तरह से बेटे हमें कौन सी सिक्योरिटी लेनी है, बैंकिंग की लेनी है, हमें 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 FMCG लेना है, हमें सीमेंट इंडस्ट्री में जाना है, हमें ऑयल में जाना है, ऑयल के बाद कौन सी कंपनी में जाना है, इसको बोलते हैं बेटे सिक्योरिटी एनालिसिस। और उसके बाद जब हमने एनालाइज कर दिया कि लड़का अच्छा है तो बेटे हम शादी करा देते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और कई बार लड़का अच्छा नहीं मिलता, बेटे पहले दिखता अच्छा है तो उसके बाद हम डिवोर्स में भी हम स्टेप लेते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेटे टोटल 9 चैप्टर्स हैं जो आपको करके जा रहे हैं। और इसी तरह से बेटे अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देखें तो 6 स्टडी मटेरियल्स दिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, 9 तक तो वहां पर है, 10 से 15 तक बेटे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेटे भगवान कृष्ण की बातें होंगी, अर्जुन जब घबरा गया था महाभारत के युद्ध से पहले, तो बेटे अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं हूं, और मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं खाली स्ट्रेटजीज बनाऊंगा, खाली खाली नीतियां बनाऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो बेटे अर्जुन ने इतिहास गवाह है
भगवान कृष्ण को चूज किया और दुर्योधन ने कहा मुझे खाली इसका स्ट्रेटेजी का क्या करना है, मैं सेना ले लूंगा। और बेटे इतिहास गवाह है, आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी को बनाना। अभी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए बेटे, ट्रंप के साथ हाथ से हाथ मिलाकर पूरा स्टेडियम घूमा, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? मैं अनुमान तो लगा ही सकता हूं, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो बेटे ये पूरी दुनिया स्ट्रेटेजी पे चल रही है, नीतियां क्या करें क्या ना करें और कैसे करें। बेटे हम करने वाले हैं 40 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट है, 40 नंबर का है। बेटे सबसे पहले तो हम आपको पहले चैप्टर में 10वें चैप्टर में बताएंगे मैनेजमेंट क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। फिर हम बताएंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर हम कहेंगे कि बेटे हमारी बिजनेस की पॉलिसीज क्या है एंड उसके बेसिस पे हम फंक्शनल स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करेंगे अपनी कंपनी के लिए, और उसको बनाने के लिए हम थॉट प्रोसेस में लेकर आएंगे। जो स्ट्रेटेजीज हमने फॉर्मुलेट की उसकी एनालिसिस करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। तो बेटे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग एंड उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बेटे स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, और लास्ट में देखेंगे कि हमारी एज क्या है, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। बेटे 5-6 स्टडी मटेरियल्स, 6 चैप्टर, 6 लेसन्स भूपेश आनंद आपको समझाएगा, बताएगा, गूगल की मदद से बताएगा और सारे खुलासे कर देगा। सवाल आता है कि अब हम क्या करें? बेटे करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना। आप पहले इंस्टीट्यूट में आ जाएं। इंस्टीट्यूट की एक बार मैं चाहता हूं कि मैंने ये स्टडी मटीरियल इंस्टीट्यूट का वहां से डाउनलोड किया, एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 पेपर 8 फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैक्सिमम मार्क्स 100, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स। और बेटे देखिए वही चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी अभी बताए, टोटल आपको 9 चैप्टर्स इंस्टीट्यूट दे रहा है। बेटे आपको जो करने हैं 9 चैप्टर्स करने हैं, इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेटे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट भी है, 40 नंबर का है और 15 तक कवर करा है। और बेटे एक बात का मैं खुलासा करना चाहूंगा आप सबको कि आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ नहीं होने वाला। बेटे एक बात और मैं बता दूं आपको कि आप अगर न्यू स्टडी मटेरियल देखें, नया स्टडी मटेरियल देखें, तो उसका जो लास्ट चैप्टर है, वैसे तो अंदर एग्जांपल्स भी दिए हुए आपको, अंदर हर स्टडी के अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिए, उसके अलावा लास्ट चैप्टर मतलब 9 के बाद उन्होंने एक नया चैप्टर ऐड कर दिया है, उसको कहा है लेसन नंबर 10। बेटे लेसन नंबर 10 इसका नाम डाला है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो मैं ये खुलासा करने वाला हूं कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप को ये मत समझना कि खाली ऑब्जेक्टिव टाइप है, थ्योरी है और ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, नहीं हो ही सकते। बेटे मैंने अभी जैसे बताया स्टेप 1 स्टार्टर है, स्टेप 2 मेन कोर्स है, स्टेप 3 फ्रेशनर अमाउंट फ्रेशनर, तो आप कर ही नहीं सकते। स्टार्टर के बाद क्या सीधा बहुत फ्रेश ना करोगे? इंस्टीट्यूट देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा है, चैप्टर वाइज दे रहा है, कंसेप्ट वाइज दे रहा है, आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। और बेटे एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज और छोटी सी बताऊं कि अगर आपको ये देखना है तो ये सारा स्टडी मटीरियल स्टूडेंट्स में जाए, एकेडमिक कॉर्नर में जाए, न्यू सिलेबस में जाए, और बेटे सब कुछ आपको गाइडेंस दी हुई है दिसंबर 2019 उसका सिलेबस, उसकी स्टडी। तो आप, मैं इस समय ऑनलाइन हूं, आप उस गाइडेंस को भी देख सकते हैं कि एप्लीकेबल कब है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में, बेटे ये 4 पेपर हैं। तो कहने का मतलब एक ये है दोस्त, मुश्किल कुछ नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। बेटे हमने क्या किया, कुछ इन सब के लिए इन हमने बुक्स प्रिपेयर किए हैं, मैं वैसे बुक्स आपको दिखाऊंगा। हमने एक तो सभी के लिए, बेटे चारों पेपर्स के लिए, जैसे एक पेपर है बेटे सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, ये तो सब्जेक्टिव टाइप आएगा, इस दुनिया की सबसे अच्छी किताब मैं इसको कहूंगा, क्योंकि बेटे हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट में डिवाइड किया, हर चैप्टर के आगे पहले कंसेप्ट लिखे हैं,
उसके बाद हमने स्टार्ट किया है। मैं एक चक्कर आपको हल्का सा दिखाना भी चाहता हूं कि किस तरह से हमने किसी भी चैप्टर को बेटे 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 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद उस कंसेप्ट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा है। दुनिया में किसी ने नहीं किया और इस बुक की अलग से अट्रैक्शन है। कुछ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस, कुछ लेटेस्ट केस लॉस अलग अलग लिखे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कवर में हमने क्या क्या फीचर्स लिखे हैं। तो बेटे एक तो हमने सिक्योरिटी लॉस 70 मार्क्स कैपिटल मार्केट की बुक बनाई है, इसके वीडियो लेक्चर्स अभी बनेंगे, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। दूसरा जो आपका पेपर है बेटे इकोनॉमिक लॉस बिजनेस लॉस एंड कमर्शियल लॉस है, इस पेपर को भी हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया और बेटे कंसेप्ट्स के फिर क्वेश्चन आंसर लिखे। आप बात समझ रहे हैं? आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं सॉफ्ट कॉपी में कि किस तरह से हमने हर चैप्टर के आगे हर चैप्टर को जब स्टार्ट किया तो कंसेप्ट्स लिखे, उस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा बेटे हमने उसको एक फ्लो चार्ट में लिखा और लास्ट में हर कंसेप्ट के जब क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते तो बेटे बर्ड्स आई व्यू लिखा, समरी लिखी। तो बेटे आप चेक कर लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटे जो 40 नंबर की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटे सारी बुक्स बना दी। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है थ्योरी कंसेप्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हर बुक में हमने कंसेप्ट के हिसाब से लिखा है। और बेटे इसके साथ एक छोटी सी बुक और है जिसको हम कहते हैं माउथ फ्रेशनर बुक, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें थ्योरी है, कंसेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट वाइज आपकी सारी स्टडी कवर कर ली जो लेटेस्ट आई है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और इसमें भी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूं शायद आपको और ज्यादा तसल्ली हो कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। ये देखिए बेटे, बेटे जैसे लेसन वन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आपकी स्क्रीन में दिखा रही है कि हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मैंने पहले चैप्टर में चार कंसेप्ट्स बनाए, नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क रिटर्न एंड वैल्यू ऑफ फर्म। और बेटे ये चारों कंसेप्ट्स आपके लर्निंग आउटकम हैं। आपको इंस्टीट्यूट ने इस बार सिलेबस में लर्निंग आउटकम दिए हैं, वहां से मैंने लिए, वहां से कब किया और उसके कंसेप्ट बनाए। बेटे उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, बेटे हर कंसेप्ट के नीचे जैसे पहला कंसेप्ट था नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक्सप्लेन टू फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओल्ड सिलेबस भी कवर किया और आपका न्यू भी कवर किया, मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए। बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने बड़ी मेहनत की है इन बुक्स के लिए और बिल्कुल स्पेसिफिकली डायग्राम्स और फ्लो चार्ट के बेसिस में बनाए। आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब में बड़े सारे लेक्चर्स आपके अपलोड करूंगा। बेटे समय कम है हमारे पास, इसलिए दिसंबर 2019 के लिए मैं ये कहूंगा कि नो डाउट आपके पास बड़ी सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन फेस टू फेस लेक्चर्स में जाकर बेटे आप अपना समय ही खत्म करने वाले हैं, समय बर्बाद करने वाले हैं और टाइम आज के रेट में सबसे प्रीशियस है। तो बेटे आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, इसके लिए पहले आप डेमो लेक्चर्स देखिए सभी टीचर्स के। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा लीजिए, पहले डेमो लेक्चर्स देखिए और देखिए कि क्या तरीका है, क्या स्टडी कंटेंट दे रहे हैं, क्या किताबें दे रहे हैं। बेटे हमने तो किताबें तक बता दी, देखिए किताबें तक बता दी कि 6 किताबें बनाई है। 6 भी क्यों बेटे, 6 भी क्यों, आप बताइए 10 किताबें बनी CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में, कैसे 10 हुई एक बच्चे ने पूछा। बेटे एक किताब हुई सिक्योरिटी की जो दिखाई, एक किताब हुई इकोनॉमिक की, 2 बेटे बाकी रह गए 4 सब्जेक्ट्स, बाकी 2 रह गए उसको मैंने 4 में डिवाइड किया और हर किसी की 2 बुक्स बनी है, एक थ्योरी कंसेप्ट प्रैक्टिकल, एक ऑब्जेक्टिव टाइम। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी ऐसे बनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी ऐसी बनी, उसके बाद बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी ऐसे बनी और हमने कस्टमाइज CS के लिए रिकॉर्डिंग करी है। कोई कट पेस्ट कुछ नहीं किया मेरे बेटे, कट पेस्ट कुछ नहीं किया कि यही रिकॉर्डिंग CS में, यही रिकॉर्डिंग आईसीएल में, नहीं बेटे, क्या बात कर दी। आप आने वाले दिनों में इन सभी चीजों को देखेंगे और खुद आपको एहसास होगा कि जो मैंने कहा है वो आपको ठीक लग रहा है और आप जैसे वर्किंग कैपिटल का चैप्टर, आप देखिए इस वर्किंग कैपिटल के चैप्टर को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है और नेक्स्ट लेक्चर में
ये आज तो सिलेबस के बारे में बताया, पहला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैं उसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करूंगा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और फिर हम चैप्टर्स की बातें करनी शुरू कर देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना चाहिए कौन सा बाद में करना चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स बनाई है, अगर आप देखें इसका कवर, बेटे कवर में देखिए क्या लिखा है, कवर में देखिए क्या लिखा है, दिख रहा है क्या आपको, देखिए स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, डेमो लेक्चर्स दिए हुए इस बुक में, ऑल 8 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 321 कॉन्सेप्ट्स, बेटे 321 कॉन्सेप्ट लिखे हैं। इस इंडिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जिसने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को, जिसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, जिसने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, जिसने इकोनॉमिक लॉ को, जिसने सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट के पेपर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया हो और क्वेश्चन आंसर कंसेप्ट्स में दिए हो, दावा इस बात का मेरे दोस्त, एक बार आप चेक करें 407 क्वेश्चंस थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर, फ्लो चार्ट, आईसीएसआई का सारा स्टडी मटीरियल, प्रीवियस पेपर्स, All latest amendments, rules and regulations, बेटा सारा कुछ कवर किया है। आप अगर ध्यान से देखें तो मैं समझता हूं कि आपको सब मिल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपसे आज यही कहने वाला हूं कि हमने सारी बुक्स को इंक्लूड किया, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली, ये देखिए सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, यही है बुक बेटे, यही बुक है, ये देखिए, उसके बाद बेटे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गई, सारी बुक्स हमने बना दी है, ये तो थ्योरी है बेटे, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनाई है, तो मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, और मैं YouTube के माध्यम से आपको सब कुछ आने वाले दिनों में समझाऊंगा बताऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल घबराए नहीं, भूपेश आनंद आप ही का है, आप ही के लिए हम आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद एक बात कहना चाहता हूं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, बेटे हम हर क्लास में लास्ट में ही लिखते हैं, बी हैप्पी बी जॉली बी चीयरफुल, बी हैप्पी बी जॉली बी चीयरफुल, मिलते हैं बेटे।